बात है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इटारसी पहुंचे। होशंगाबाद विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉ सीता शरण शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा करते हुए आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए भरोसा जताया कि जनता एक बार पुनः भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस देश के लिए अब गैर जरूरी हो गई है। इटारसी में सीएम योगी ने कांग्रेस और कांग्रेस आलाकमान दोनों को जमकर घेरते हुए कहा कि जब विकास भाजपा कर रही है, बिजली पानी सड़क की सुविधा भाजपा दे रही है, रोजगार भाजपा देने की कोशिश कर रही है, तो फिर देश के लिए कांग्रेस गैर जरूरी सी हो गई है। यही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि खुद कांग्रेस के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं करते और उन्हें जिताऊ चेहरा भी नहीं मानते। कांग्रेस इस देश के महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती। आज आपने कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बयान पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोट नहीं चाहिए, उनके लिए तो मुस्लिम वोट ही पर्याप्त है। मित्रों, उनको आपके वोट पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर 1947 में देश का विभाजन कर चुकी है और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की इस राजनीति पर चल करके इस देश में, इस देश की व्यापक आस्था के प्रतीक अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुद्दे का समाधान भी कांग्रेस ने नहीं करने दिया है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। राम मंदिर मुद्दे की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बयान का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।